हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कि शानदार वीडियो में। मेरा नाम है तनवीर। एक बार फिर से आप सभी का चार चीजें, अगर आप अपने आप कंप्यूटर एक्सपर्ट मानते हो तो आपको ये चार चीजें जरूर आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप लोग देख लीजिए इनमें से कौन सी चीज नहीं आती है, और इससे आसानी से आप हमारे चैनल पर चारों चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने आना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, अगर आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट हो या टेक्निकल बंदे अपने आप को मानते हो तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने आना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जाकर के आप आई बटन पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे हम लोग पहली बार कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हैं, जो भी हमारा कंप्यूटर दुकानदार जिससे भी हम लोग खरीदते हैं पहली बार, उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करके दे देता है। लेकिन होता क्या है कि हमें 6 महीने साल भर, या आप एक चीज जानते हैं, हमेशा विंडोज 7 या विंडोज 8 या विंडोज 10 तो इंस्टॉल यूज करेंगे नहीं। तो इसलिए आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारे वीडियोस को जरूर देखें। तो दोस्तों, आज के इस हैकिंग के जमाने में, साइबर सिक्योरिटी के जमाने में, आपको 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन जरूर आना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है जिससे आपके ईमेल या फेसबुक बहुत सी चीजें हैक हो जा रही हैं। तो दोस्तों, 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन जरूर लगाएं। अगर आप नहीं जानते तो हमें कमेंट कर इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। और तीसरा पॉइंट ये, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का मतलब यह कि आपको हार्डवेयर का ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने कई वीडियोस में कहीं कीबोर्ड चेंज करके बताया है, और कहीं कहीं पे कुछ वीडियो में मैंने बेसिक पॉइंट को बताया कि रैम होता है, कैसे चेंज करेंगे, क्या होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अपना कुछ कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप पर्सनल काम कर रहे हैं, आपके पास पीसी है, आपका रैम खराब हो गया, या होता क्या है कि डस्ट चले जाते हैं, तो आपको साफ करने आना चाहिए। आपको हार्डवेयर चेंज करना जरूर आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हमारे चैनल की पे या कहीं पर वीडियो, किसी पूरे YouTube में कहीं पर भी वीडियो जाकर आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट यह है कि कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग आना चाहिए। दोस्तों, हमने नेटवर्किंग के ऊपर भी वीडियो बनाया है। आप अपने हमारे वीडियोज के प्लेलिस्ट में जाएंगे और नेटवर्किंग के ऊपर मैंने वीडियो कई ढेर सारी बनाई हुई है। रिमोट कैसे लेना है, क्या कैसे लेना है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्किंग इसलिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कंप्यूटर 2 लैपटॉप है, आप डाटा ट्रांसफर करने के लिए बार बार आपको पेन ड्राइव या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग करना जानते हैं तो आप आसानी से अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा मान लीजिए मॉडेम लगाना, डोंगल सेटअप करना, इसके अलावा बहुत सी चीजें, जैसे आईपी क्या होती है, आईपी एड्रेस, ढेर सारी चीजें होती हैं जिसको आपको जानना चाहिए और आप आसानी से अपने नेटवर्क को सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन कौन सा पॉइंट आप जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।